शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आए दिन कोरोना टेस्टिंग, किसी लैब में पॉजिटिव तो वही दूसरे लैब में उस मरीज की कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट निगेटिव आती है, जिसमें 74 वर्षीय महिला का और उसके परिजनों का काफी मानसिक प्रभावितों से गुजरना पड़ रहा है। दो निजी लैब की रिपोर्ट, महिला के परिजन भ्रमित हुए हैं। निजी लैब की लापरवाही को लेकर हमारे संवाददाता संजय मिरे, इन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता दयाशंकर तिवारी से फोन पर बातचीत की है। आइए सुनते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। कन्नवार नगर निवासी वरिष्ठ नागरिक 74 वर्षीय महिला घर में फिसल कर गिर गई। उसे इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर के पास ले जाया गया था। डॉक्टर ने उसे कोरोना टेस्ट करवाने की सलाह दी। महिला ध्रुव लेबोरेटरी में गई, वहां कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। परिजनों को रिपोर्ट पर संदेह हुआ, क्योंकि महिला घर से बाहर नहीं निकली थी, अनेक दिनों से किसी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में भी नहीं आई थी। परिजन उसे दूसरी लैब सुविश्वास में ले गए, वहां कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है। परिजनों को राहत तो मिली, लेकिन भ्रम और बढ़ गया। हालांकि मनपा ने पहले रिपोर्ट के आधार पर तुरंत महिला के निवास परिसर को सील किया। मजेदार बात तो यह है कि संबंधित महिला के पड़ोस में मनपा की स्वास्थ्य अधिकारी भावना सोन कुसले का भी निवास है। दर्शकों नमस्कार, इस समय में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नगर सेवक दयाशंकर जी तिवारी जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे। तिवारी साहब, ये बताएं कि जिस तरह से प्राइवेट लैब का क्या गोरख धंधा चल रहा है, क्योंकि एक जो अभी घटना जो हुई, एक महिला को किसी लैब ने उसको पॉजिटिव करार दिया, तो वही शहर के दूसरे लैब ने उसको निगेटिव करार दिया। क्या रोशनी डालोगे इस विषय के ऊपर में? ज्योति खटे यह कन्नमवार नगर में निवास करती है। 74 वर्षीय महिला घर में स्लीप होकर के गिर गई। उसके परिजन उसको डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर के पास, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास लेकर के गए। डॉक्टर ने कहा कि पहले उसका कोरोना टेस्ट करवा लीजिए। उसका कोरोना टेस्ट कराने के लिए ध्रुव लेबोरेटरी में ले गए। ध्रुव लेबोरेटरी में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, और वह रिपोर्ट पॉजिटिव आने परिवार के लोगों ने कहा कि यह महिला कहीं बाहर नहीं निकलती, किसी के संपर्क में नहीं आती, इससे नहीं हो सकता है कोरोना। उनके क्योंकि एक रिश्तेदार ने सजेस्ट किया कि हम विश्वास नाम की एक लेबोरेटरी वहां से फिर से रिपोर्ट करा ले। जब क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए दूसरी जगह रिपोर्ट कराई गई, तो वहां पर वो रिपोर्ट निगेटिव आई। बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि महानगर पालिका के परिक्षेत्र में संचालित प्राइवेट लेबोरेटरी में एक जगह रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, दूसरी जगह रिपोर्ट निगेटिव आती है। यह तांत्रिक अड़चनी है, यह लैब का गोरख धंधा है। इस बारे में माननीय निगम आयुक्त तुकाराम मुंडे जी ने तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। पैथोलॉजी संचालन करने के नियमों के अंतर्गत अगर महामारी के समय 100 से ज्यादा केसेस निकलते हैं, तो उनके सारे सैंपल की रिपोर्टिंग पुणे की लैब को करना चाहिए, पर महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने संजीदगी से वो लेबोरेटरी इस प्रकार से कार्य कर रही है या नहीं, उस पर वॉच करनी चाहिए। ये ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, महानगर पालिका ने तुरंत एक आक्रामक कदम उठा करके तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे नागरिकों का शोषण ना हो और अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान ना हो। तिवारी साहब, ये बताए कि जिस तरह से उस महिला को जो मानसिक प्रताड़ित जो हुई है, उसके पूरे परिवार प्रताड़ित हुए है, इसका खामियाजा वो जो लोग भुगत रहे, इसके लिए जो जिम्मेदार लोग है उनके ऊपर में किस प्रकार की कार्रवाई होना चाहिए, इस विषय को लेकर क्या रोशनी डालोगे, क्या कोई भविष्य में आप आंदोलन करने जा रहे हो क्या? ये एपिडेमिक एक्ट भी नागपुर में लागू है। एपिडेमिक एक्ट लागू होने के कारण उस पर किस प्रकार की कार्रवाई करना चाहिए उस एक्ट में परिभाषित है, और उस एक्ट के अंतर्गत सर्वाधिकारी तुकाराम जी मुंडे साहब है, इसलिए उन्होंने उस एक्ट के अनुरूप जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है करना चाहिए। केवल वो महिला नहीं, उस परिसर में रहने वाले सारे लोग परेशान हो गए। आप जाकर के देखेंगे तो उस इलाके को चारों तरफ से बैरिकेड लगा करके सील कर दिया गया है। पेशेंट पॉजिटिव होने के बाद एरिया को कंटेम्पटेड जोन घोषित करना यह समझ में आता है। पेशेंट की रिपोर्ट निगेटिव होने के बाद भी अगर कंटेम्पटेड जोन घोषित किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के रहने वाले नागरिकों के साथ भी अन्याय हो रहा है, महिला के साथ तो मानसिक त्रासदी हो ही रही है। बिल्कुल, तो आप थे दयाशंकर जी तिवारी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इनका ये कहना है, इनका ये मानना है कि दो निजी लैब की रिपोर्ट से महिला के जहां परिजन भ्रमित हुए, तो वहीं यह तकनीकी गलती है या फिर प्राइवेट लैब का गोरख धंधा, ये विषय अभी भी अदर में लटका हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से शहर में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं लैब द्वारा जो आंकड़े दिए जाते हैं वो
कई पॉजिटिव तो कई निगेटिव ये करार दिया जाता है, जिसके चलते शहर के नागरिकों में एक दुविधा का माहौल है। इस दुविधा को दूर करने का हर भरकस कोशिश, हर संभव कोशिश मनपा प्रशासन द्वारा किया जाए, यही मांग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दयाशंकर तिवारी इन्होंने लगाया है। और साथ में साथ दयाशंकर जी तिवारी इन्होंने ये भी कहा है कि दोषी अधिकारी या फिर वो लैब के जो डॉक्टर्स है, वो डॉक्टर्स प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये बात डॉक्टर दयाशंकर जी तिवारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इन्होंने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद दयाशंकर तिवारी जी, आपने फोन लाइन के ऊपर में बात करके हमारे तमाम दर्शकों को जानकारी दी, इसलिए धन्यवाद।